गोपालगंज के नाम क्रिकेट के दुनिया में रोशन करने में दूसरी आपके नाम जुट गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सपोर्ट रहा उन लोग का बचपन से लेकर अभी तक, बहुत सारा सपोर्ट रहा और तभी यहाँ तक पहुँचे हम। तो मेहनत कीजिए और अपने भरोसा कीजिए और बाकी एक दिन सक्सेसफुल नहीं मिलता है, आप मेहनत करते रहिए, सब अच्छा होगा। बहुत खुशी की बात है, मुकेश जी के बाद साकिब का जो है ना IPL में सिलेक्शन हुआ है, उनका जो है ना बेस्ट प्राइस था 20 लाख, 20 लाख में जो है ना KKR ने खरीदा है। इस सितारों के आगे जहां और भी है, इसके इंतहा अभी और भी है, आज IPL और कल हम चाहेंगे कि ये हमारे देश का नाम रोशन करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूँ शैलेंद्र कुमार। क्रिकेट के दुनिया में गोपालगंज के नाम रोशन करने में मुकेश कुमार के बाद एक और नाम जुट गया है और वह नाम है गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरगाह रोड स्थित साकिब का। साकिब हुसैन जो हैं वह क्रिकेट के दुनिया में आज नाम रोशन कर रहे हैं और उनको बहुत लोग जब उनको चिन्हित किया गया है, उनको कोलकाता नाइट राइडर द्वारा खरीदा गया है, जिसके बाद से उनके घर पे एक फेस्टिवल जैसा माहौल हो गया है। जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो आ रहे हैं, उनको तमाम शुभकामना दे रहे हैं। मेरी मौजूदगी उनके घर पर है और मेरे साथ हैं, मैं उनको सीधे आपसे उनसे बात कराता हूँ और ये इसकी राज जानने की कोशिश करता हूँ कि जो ये इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, ये इनको कितनी खुशी है और यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे। जी सबसे पहले आपको दर्श न्यूज की तरफ से बहुत सारी शुभकामना। आपको भी धन्यवाद। गोपालगंज के नाम क्रिकेट के दुनिया में रोशन करने में दूसरी आपके नाम जुट गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाँव आपके जो गाँव है, गोपालगंज जिला है, इसको यहाँ के लोगों के क्या आप कहेंगे, क्या संदेश देंगे? काफी सपोर्ट रहा उन लोग का बचपन से लेकर अभी तक, बहुत सारा सपोर्ट रहा और तभी यहाँ तक पहुँचे हम। आपको कलकत्ता नाइट राइडर्स जो खरीदा है, क्या किस तरह से आपको मतलब वहाँ पे जो इतनी बड़ी खुशी आपको मिला है, यहाँ के जो सभी लोगों का सपोर्ट रहा है, एक जो गोपालगंज के जो युवा है, जो आपके जैसे लोग हैं, वो क्रिकेट कैसे उनको क्या संदेश देंगे कि आपके जैसा वो भी बने, एक और नाम आगे आके जुटे? मतलब यही बोलना चाहेंगे, आप लोग मेहनत कीजिए और अपने भरोसा कीजिए और बाकी एक दिन सक्सेसफुल नहीं मिलता है, आप मेहनत करते रहिए, सब अच्छा होगा। मेहनत करते रहिए और सबसे अच्छा होगा। उनके परिवार के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, उनके चाचा जी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा और भी परिवार के तमाम सदस्य से भी बात करने के। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। आपका चेहरा का जो रंग है देख कर खुशी झलक जो झलक रहा है, एकदम पूरा जो आपके अंदर का खुशी है सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? आपका भतीजा आज पूरे दुनिया में नाम रोशन करने जा रहा है और एक गोपालगंज की खासकर पहचान मुकेश के बाद इनका आ रहा है क्रिकेट के दुनिया में, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, मुकेश जी के बाद साकिब का जो है ना IPL में सिलेक्शन हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं KKR को जो उस लायक समझा साकिब को और KKR के हाँ किए, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। 20 लाख रुपये में इनको खरीदा गया सुनने में आया है, क्या क्या सच्चाई है? हाँ, इनका जो है ना बेस्ट प्राइस था 20 लाख में जो है ना KKR ने खरीदा है। गोपालगंज जो है इतिहास बनाते रहा है, यहाँ से लालू प्रसाद यादव, बिहार की राजनीति में 3-3 मुख्यमंत्री दिया, फिल्म दुनिया में पंकज त्रिपाठी को दिया, क्रिकेट के दुनिया में मुकेश कुमार को दिया और अब एक और नाम जुट गया है। ये छोटी सी गली गोपालगंज, जो गोपालगंज की तमाम समस्याओं से जिसको पहचान होती है, आज क्रिकेट के दुनिया में इसका नाम हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है और गोपालगंज जिले के खुशी की बात है, पूरे मोहल्ले के खुशी की बात है। मैं इनके बगल में इनके भाई साहब खड़े हैं, उनसे भी बात करूंगा और उनको देखिए, उनको उनका नाम लेते हैं, उनके चेहरे पे कैसे लालिमा छा गया और कैसे खुशी है, क्या कहेंगे? आपके भाई साहब आज क्रिकेट के दुनिया में सितारा हो चुके हैं। आज का जो दिन है, जो कल का दिन था, हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन था, शायद हम लोग के जीवन में उतना बड़ा दिन ही हम लोग नहीं देखे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई का ऑक्शन में नाम आया और वो ये अब ये आपके सिर्फ अकेला आपके भाई नहीं है, ये पूरा देश का एक कहिए पहचान है और पूरे गोपालगंज के शान है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ मुकेश जी को बोलते थे, मुकेश कुमार जी। और एक बात है कि जो कि वो भी तेज गेंदबाज हैं और ये भी तेज गेंदबाज हैं, जो विपक्षी होगा
उसको अपने गेंद से कैसे छक्का छुड़ाएंगे, क्या करेंगे ये तो अब हम लोग देखेंगे स्टेडियम में कि किस तरह से क्या करते हैं, कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है। काफ़ी खुशी का मोमेंट है पूरे गोपालगंज वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। और एक शायर ने क्या खूब कहा है कि सितारों के आगे जहां और भी है, इसके इम्तिहान अभी और भी है। आज आईपीएल और कल हम चाहेंगे कि ये हमारे देश का नाम रोशन करे, बस हम लोगों की यही दुआएं हैं। बस हर घर की एक घर का निर्माण करने के लिए एक नींव का नींव से शुरू होता है, और निश्चित ही इन्होंने जो काम किया है ये पक्की नींव का, इस पर अगर 10 मंजिल 20 मंजिल भी बनाया जाए तो नींव हिलने वाला नहीं है। मुकेश कुमार के बाद इनका नाम हुआ है, कितनी खुशी है मोहल्ले के लोगों में, क्या क्या लोगों में ऐसा चर्चा चल रहा है? देखिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है सब लोगों के लिए कि जो मेहनत होता है वो जया नहीं जाता है, और कहीं ना कहीं इसका फल लोगों को मिलता है। वैसे ही जो है भाई हमारे साकिब को भी मिला, और ये बहुत लाइफ में अच्छा करेंगे, इस चीज़ की पहचान तो हम लोग बहुत पहले से ही। इस दुनिया में अगर किसी पुत्र के किसी अगर किसी व्यक्ति को अगर सबसे बड़ी खुशी होती है अपने अपना, अगर किसी संतान का और किसी बच्चे के अगर उसके उज्जवल भविष्य के लिए और उसके जो उसे ऊंचाइयों पे चढ़ता है तो पिता को होती है। उनके पिताजी मेरे साथ हैं, और हमसे ज़्यादा जो है ना हमारे देशवासी हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको खुशी है। हमारे दुनिया में पूरा दुनिया में आज गोपालगंज का पहचान, कोई कहता था तो कहता था कि लालू प्रसाद के गांव के यहाँ है, विदेशों में कहता था कहाँ घर है तो लालू प्रसाद के गांव, पंकज त्रिपाठी के जिला के हम रहने वाले हैं, मुकेश कुमार के, अब तो साकिब, ये तो बहुत बड़ा बात हो गया। कितना खुशी है आपको? बहुत बहुत खुशी है, ये तो जो है गर्व की बात है, ये बहुत खुशी की बात है। हमसे ज़्यादा तो आदमी है उनको खुशी है, और हमारे पूरे बिहार का आदमी जो है खुश हैं, तो इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है। साकिब जी आप काफ़ी संघर्ष करके आप पहुंचे हुए हैं, अपने परिवार और अपने जो जो आपके रिश्तेदार हैं जो आपके चाहने वाले हैं, आपके चेहरे पे जो खुशी आपको जो पहुंचे हुए उससे ज़्यादा उन लोगों को है, क्या उम्मीद उन लोगों को देते, क्या कहेंगे उन लोगों को? नहीं क्या? मतलब यही बोलना चाहें कि काफ़ी स्ट्रगल रहा यहाँ तक अब मतलब सफर तय करने में, लेकिन अपना हम अपना मेहनत करते गए और इसका सामना करते गए। बस यही बोलना चाहेंगे अपने रिश्तेदार को कि बहुत खुशी की बात है, मतलब कि सपोर्ट किया हमको। कल से पूरा एकदम ताता लगा है, मिठाई खाना, हाँ, माला पहनाना है, हाँ, तो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, खुशी का माहौल तो होना ही चाहिए। जी, जी, जी। तो सभी लोग जो भी जो साकिब है ये इन्होंने संदेश दिए कि जो भी हमारे युवा हैं और जो भी हमारे गोपालगंज जिला या देश के जो हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि वो कठिन परिश्रम और जो मेहनत होता है वो एक ना एक दिन रंग जरूर लाता है, चाहे कोई भी कंडीशन में हो, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद जो उसका फल मिलता है वो काफ़ी मीठा होता है। गोपालगंज से दर्श न्यूज़ के लिए मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव।